राजस्थान कांग्रेस में जो पिछले महीने सियासी घमासान मचा था उस पर प्रदेश कांग्रेस के तीनों नेताओं ने अब हाईकमान को जवाब दे दिया है। आलाकमान ने तीनों नेताओं को अपना पक्ष रखने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस हाईकमान से घुड़की मिलने के बाद राजस्थान कांग्रेस के तीन नेता शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर ने आलाकमान को अपना जवाब दे दिया है। तीनों नेताओं ने अपनी सफाई में सीएम अशोक गहलोत का बचाव किया है और कहा कि राजस्थान में उन पर कोई और नेता थोपने की कोशिश की जा रही थी जो उनको मंजूर नहीं था और जिसकी वजह से ये सब हुआ। उनमें विधायकों की भावनाएं भी शामिल थी, उसमें सीएम गहलोत की कोई भूमिका नहीं है, हम आलाकमान के साथ हैं। इससे पहले तीनों नेताओं को कांग्रेस की तरफ से जवाब देने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की बात कही गई थी। आपको बता दें कि धारीवाल, जोशी और राठौर ने कांग्रेस विधायक दल की आधिकारिक बैठक से इतर एक बैठक की थी जिससे हाईकमान में काफी नाराजगी थी। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर ने जवाब दाखिल कर दिया है। अब देखना है कि इस पर कांग्रेस की अनुशासन समिति क्या फैसला लेती है। इस बीच सचिन पायलट राजस्थान में वसुंधरा राजे की गढ़ से हड़ौती से चुनाव का बिगुल फूंकने वाले हैं, जिसे सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है।